हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी को। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हरी शेडिंग जोन के न्यू ट्यूटोरियल में। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग, जो कि NSB भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की फ़ोटो डालते हैं इसी तरह के। सो आज हम आपके लिए लेकर हैं कुछ इसी तरह की फ़ोटो एडिटिंग, जो कि लाइटरूम की मदद से हम इस फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको नए नए इसी तरह को कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस लेट्स गो। सो ये हमारा कुछ ये वाला रियल फ़ोटो है। सो यहाँ पर हम सेंड करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो यहाँ से हम लाइटरूम एप्लीकेशन में सेंड कर लेंगे। सो ऐड कर करके सो यहाँ ऊपर आएगा। सो यहाँ पर ऊपर करके देखेंगे। सो ये आई हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। सो ये हो गया है। सो हम यहाँ से इसको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में खोल लेना। सो ये जो गैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइस, सो हमें इस पर क्लिक करेंगे। सो इस पर क्लिक करके सो यहाँ ऐसा होता है कि लाइटिंग वगैरह सो कुछ खुद बहुत एडजस्ट हो जाती है, तो आप अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो को रख लेना। जैसे भी आपको जैसी लाइटिंग वाइटिंग ब्राइटनेस वगैरह कम वगैरह हो, तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम थोड़ा मोड़ा छेड़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं। सो अब चलते हैं मिक्स टूल पर। मिक्स टूल पर जाने के बाद सो यहाँ पर चलेंगे। सो हम इसकी यू को कम कर देंगे हल्का सा। सो हम लुमिनस को भी कम कर देंगे। सो हम दूसरे ऑप्शन पाएंगे, लुमिनस बढ़ा देंगे इसकी, और सेचुरेशन कम कर देंगे हल्की सी। सो यहाँ से उसको हम कर देंगे गाइस डन। डन करके यहाँ से चलेंगे इफेक्ट में। सो सॉरी गाइस, हम यहाँ से चलेंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद सो यहाँ पे हम जाएंगे नीचे थोड़ा सा। सो ये देख सकते हैं ये वाला नीचे ऊपर से आगे, ये वाला नीचे 04 वाला। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अलग ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। सो यहाँ से हम इसको हम कर लेंगे गाइस डन कर लेंगे। डन करके दोबारा चलेंगे। सो यहाँ पर दोबारा चलेंगे मिक्स टूल पर। मिक्स टूल पर जाने के बाद सो हम यहाँ पर ये वाले कलर पर आकर इसकी यू को हम बढ़ा देंगे। सो यहाँ पर इसकी यू को हम फुल कर देंगे, बिल्कुल फुल। सो यहाँ इसकी सेचुरेशन कम रखेंगे। सेचुरेशन यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी कम रखेंगे। सो यहाँ सेचुरेशन कम रख करके सो हम दूसरे कलर कर पाएंगे, तो इसकी यू को हम बढ़ा देंगे, और सेचुरेशन हल्के सा इसको हल्का सा हम कम रखेंगे। सो अब इसकी लुमिनस को हम कम कर देंगे शायद, सॉरी बढ़ा देंगे। सो इसको बढ़ा करके अब इसकी लुमिनस को हम कम कर देंगे। सॉरी गाइस, वो गलत हो गया था थोड़ा। सो हम इसकी लुमिनस कम कर देंगे। सो हम दूसरा ऑप्शन पाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन पाएंगे इसकी यू को कम, सेचुरेशन बढ़ा देंगे, और दूसरे वाले पाकर अब इसकी यू को कम, सेचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। सो सेचुरेशन बढ़ा करके और दूसरे वाले पे सेचुरेशन बिल्कुल कम कर देंगे। सो यहाँ से डन करके चलेंगे बिगनेट पे। बिगनेट पे जा करके तो इसके अंदर हम डालेंगे क्रेलिटी। क्रेलिटी डाल करके थोड़ी सी अब इसके अंदर बिगनेट डाल देंगे हल्का सा। सो यहाँ से बिगनेट डाल करके सो यहाँ से चलेंगे अब नॉइस रेडूशन पे। सो हम इसके नॉइस रेडूशन डाल देंगे थोड़ा सा। सो नॉइस रेडूशन डाल करके ऊपर वाला भी थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। सो यहाँ से हम अब जाएंगे ये वाले टूल्स पर, जैसे ये देख सकते हो। तो यहाँ से हम इस पर प्लस पर क्लिक करके ये चौकीटा जो बन कर रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हम अपने यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हम इसको खींच करके थोड़ा बड़ा कर देंगे, इससे क्या होगा थोड़ा सा ब्लैक टोन लाएंगे। सो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देंगे थोड़ा सा। सो यहाँ इसको ब्लैक करेंगे गाइस, ब्लैक हो गया है। सो थोड़ा सा और बड़ा प्रो कर देंगे इसको। सो यहाँ से इसको हम कर देंगे गाइस डन। डन करके सो अब दिखाते हैं पहले कैसा था, अब कैसे एंड बिफोर एंड आफ्टर। अब हम सो हम चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, वहाँ से वहाँ पर जा कर हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे इस फोटो की। सो यहाँ से हम डाउनलोड कर करके सो चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो हमने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन खोल लिया अपना। सो अब चलते ब्यूटी में। ब्यूटी में जा करके हम अपने स्किन पर थोड़ा सा स्मूथ डालेंगे गाइस। हमें स्मूथ पर क्लिक कर करके सो ये हमें इसी तरह थोड़ा सा लेट होता है गाइस। सो
यहाँ पे इरेजर टूल पे जाएंगे, इरेजर टूल हमेशा की तरह इसको हम थोड़ा साइज कम कर बढ़ा करके सो हम इसको रेस कर देंगे। अब कलर ब्रूस वाले टूल पार करके इसको हम आप अपने हिसाब से हम अपने स्किन पर ऐसे कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे। सो यहाँ से इसको हम कर देंगे गाइज डन डन करके गाइज। सो हम ये वाला जो है ये वाला ऑप्शन पकड़ेंगे, इसको हम ये थोड़ी सी ब्रेडनेस बढ़ा देंगे स्किन की। सो यहाँ से इसको हम इसको कर देंगे डन। सो यहाँ से डन करके सो यहाँ पे हम चलेंगे ऐड फोटो में। सो ऐड फोटो में जा कर के हम एक पीएनजी लेंगे, जो कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। सॉरी गाइस दूसरे ऑप्शन पे। सो यहाँ पर हम उस वाली पीएनजी को सो ये वाली पीएनजी हमारी सो यहाँ से इसको ले लेंगे। सो हम चलते हैं ब्लाइंड पे। ब्लाइंड पे जाने के बाद इसको ब्लाइंड पे जाने स्क्रीन कर देंगे। सो स्क्रीन करने के बाद यहाँ इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। सो इसको एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरह यहाँ से यहाँ पर। सो अभी हमें डन नहीं करना गाइस। तो यहाँ हम एडजस्ट में जा करके सो ये देख सकते हो एच यू ई, इस पर क्लिक करके हम इसके अंदर बिल्कुल सेम बैकग्राउंड वाला कलर डालेंगे, जो कि जैसा बैकग्राउंड में कलर है। सो हम ये वाला कलर डाल देंगे, इससे क्या मैचिंग होगी थोड़ी बैकग्राउंड के साथ। सो यहाँ इसको कर देंगे डन डन करके गाइस। अब चलते हैं कहाँ जाएंगे और क्या, ड्रो टूल में जाएंगे, वहाँ से शेप करेंगे। अच्छा हाँ भाई, ड्रो टूल में जा करके यहाँ से हम कर लेंगे सेफ। सो सेव कर करके सो यहाँ पर हम सेव कर लिया गाइस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो आप इसी तरह का आप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय, लेट्स गो बेबी।